हेलो इंस्पेक्टर। हेलो सागर, मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा अंशुया मैडम को मिलके चलूं। अरे लेकिन मॉम तो 10 दिन के लिए दिल्ली गई हुई है। ओ अच्छा, ये बच्चा किसका है? यहाँ तक मुझे पता है तुम दोनों भाइयों का तो बच्चा है नहीं, तो फिर ये बच्चा किसका है? इंस्पेक्टर, दरअसल ये बच्चा इंस्पेक्टर, आप इस बच्चे को लेकर एक मिनट। यस सर, हाँ सर, हाँ सर, पहुंच रहा हूं मैं। ओके सर, आया मैं। या वहीं, एक मिनट पक्का मुझे दो, वहीं एक मिनट मुझे दो तो सही, प्लीज। लाओ अब कैसा लग रहा है? खाली लग रहे सागर जी। तो अब अपना मन भी खाली कर दूंगा। अब अपने मन से इस बच्चे के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि ये हमारा बच्चा नहीं है। मैं मेरा बका पुलिस काका के पास जाएगा, है ना? लेकिन बका, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, पुलिस काका बहुत अच्छे हैं, और मैंने उन्हें कह दिया है, मेरे बका का अच्छे से ध्यान रखना, उसे प्यार से रखना, और ये भी कहा है उसे बिल्कुल भी ना डांटे। जैसे ही तेरे मम्मी पापा का पता चल जाएगा ना, वो तुझे उनके पास छोड़ देंगे। सागर भैया, बका को एक और दिन नहीं रख सकते? अरे भाभी, रखने को तो मैं इस बच्चे को पूरी जिंदगी अपने साथ रख सकता हूँ, लेकिन जब हम फूल को टहनी से अलग करते हैं तो वो कैसे मुरझा जाता है? उसी तरह ये बच्चा अपनी माँ से अलग रहेगा तो बिल्कुल मुरझा जाए। सही कहा सागर जी आप, हमारे पक्का को बिल्कुल भी मुरझाने नहीं दें। एक मिनट सागर भैया, नहीं मैं, वहां जाने के बाद तुम्हें और ज्यादा दुख होगा, बक्का से जुदा होगा। वो तो अभी भी हो ही रहा है ना। हेलो सागर। अरे छाया आंटी आप? अरे मैं, इन्हें बैठाओ ना, ये छाया आंटी है, मॉम के पार्टी की कार्यकर्ता है। छाया आंटी, आपको पता नहीं है मॉम तो 10 दिन के लिए दिल्ली गई? हाँ मुझे पता है। अरे अरे, लगता है बकर को छाया आंटी के पास जाना है। क्योंकि बच्चा अपनी माँ को तुरंत पहचान लेता है सोनिया भाभी। हाँ ये बच्चा जो है ना, वो छाया मासी का बेटा है। अपने घर के बाहर ये बका को छाया मासी छोड़ के गई थी, और वो भी मैडम के कहने पर। क्या? हाँ, तभी मैं बका को नीचे लेते गया था ना, तभी तो भाई नहीं आया था। मैं तो बका को लेके छाया मासी के पास गया था, उसे थाना थिलाने के लिए।
लेकिन सासू माँ ने ये सब क्यों किया? आप लोगों को एहसास दिलाने के लिए, ये एहसास दिलाने के लिए कि एक छोटा बच्चा जिंदगी में कितनी खुशियां बल देता है। और मैडम ने कहा था कि जब आप चालों को एहसास हो जाए तब उनकी लिखी हुई चिट्ठी में सागल भैया को दू और वो ये चिट्ठी सोनिया भाभी और मई भाभी को पढ़ के सुनाए। उनकी भी उमल हो गई है, उनको भी दादी बनना है, समझ में आया? आप सोनिया भाभी और मई भाभी को पढ़ के सुनाइए था। डियर मही और सोनिया, राजीव जब काम पर जाते थे ना तब मैं अपना सारा वक्त अपने बच्चों रोहित और सागर के साथ गुजारती थी। दिन कब ढल जाता था पता ही नहीं चलता। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों भी अपना सारा वक्त अपने बच्चों के साथ बिताओ ताकि तुम्हें मुझ पर, सागर पर, रोहित पर या कन्हैयालाल पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। मैं जानती हूं कि तुम दोनों मेरे बगैर नहीं रह पाओगे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तुम्हें पता है मां बनना मतलब भगवान का दर्जा पाना है और ये सिर्फ औरत के ही नसीब में होता है। ओ मिस वीरा खड़ी, अब रोना धोना बंद कर। और मेरी एक्ट्रेस बहू, हाँ? एक नए किरदार के लिए रेडी हो जाओ। जल्दी से एक नन्हा सा फूल खिला दो मेरे आंगन में। अब मुझे भी दादी बनना है। अरे अले, सबसे बड़ा गलित तो मैं ही हूं ना। तू बता भाई। अरे आप क्या असली हो बती भाभी?